दोस्तों, अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आपने हाईवे पर सफ़र तो ज़रूर किया ही होगा, और हो सकता है कि किसी ने एक्सप्रेस वे पर भी सफ़र किया हो। लेकिन आप हाईवे और एक्सप्रेस वे के बीच में क्या अंतर होता है वह जानते हैं? नहीं जानते तो चलिए हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, हाईवे वे को हिंदी में राजमार्ग कहा जाता है, और यह शहरों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। लेकिन हाईवे का मतलब होता है कि एक ऐसी रोड जो शानदार तरीके से बनाई गई हो और जिस पर भारी वाहन आसानी से जा सके। यह अक्सर अन्य सड़कों की तुलना में ज़्यादा चौड़े होते हैं और महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ते हैं। बता दें कि भारत में हाईवे में 2 लेन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेन होती है। भारत में अभी लगभग 400 नेशनल हाईवे है और जिस पर स्पीड लिमिट लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों, इससे आप समझे हैं कि हाईवे क्या होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एक्सप्रेसवे के ऊपर। एक्सप्रेसवे दोस्तों भारतीय सड़कों की सबसे हाई लेवल की सड़कें होती है। दोस्तों, अगर आप कभी एक्सप्रेसवे पे जाए तो आप जरूर एक पीछे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि उस समय आप भारत की सबसे हाई लेवल की सड़क पर खड़े होंगे। दोस्तों, एक्सप्रेसवे ये गाड़ियों को तेज रफ्तार से चलाने के लिए बनाए जाते हैं। हाईवे और एक्सप्रेसवे में यह अंतर होता है कि जब हाईवे को कई सुविधाओं से लैस कर दिया जाता है, मतलब उसमें कई सुविधाएं और जोड़ दी जाती है, तो वह एक्सप्रेसवे हो जाता है। बता दें कि एक्सप्रेसवे पे 8 लेन व 6 लेन होते हैं जो शानदार तरीकों से बनाए जाते हैं। देश में अभी लगभग 50 एक्सप्रेसवे हैं जिन पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वाहन चलाए जा सकते हैं। दोस्तों, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। तो दोस्तों, अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि हाईवे और एक्सप्रेसवे में क्या अंतर है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।